टीम इंडिया ने गवाया WTC फाइनल का खिताब। पांचवें और आखिरी दिन भारतीय बल्लेबाजों का हुआ सरेंडर। विराट, रहाणे, जडेजा और शार्दुल ने किया निराश। रोहित की कप्तानी में टीम नहीं जीत पाई ICC का खिताब। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जीती वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की गदा। भारत ने साल 2021 में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ गवाया था WTC का खिताब। पहली पारी में 89 रन की संकट मोचक पारी खेलने वाले अजिंक्य रहाणे ने दूसरी पारी में 46 रन बनाए। 108 गेंदों के दौरान रहाणे ने 7 चौके लगाए। मिशेल स्टार्क ने काफी चालाकी से रहाणे का विकेट चटकाया। आउट होने के बाद अजिंक्य रहाणे निराश दिखे। पहली और दूसरी पारी को मिलाकर रहाणे ने कुल 135 रन अपने खाते में दर्ज किए। रहाणे के बाद शार्दुल ठाकुर भी जल्दी पवेलियन लौटे। नेथन लायन ने लिया शार्दुल ठाकुर का विकेट। 0 रन पर पवेलियन लौटे शार्दुल। पहली पारी में बनाए थे 51 रन। गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर को 2 विकेट हासिल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में विराट कोहली 78 गेंद में 49 रन बनाकर लौटे पवेलियन। विराट का कैच गली में खड़े स्टीव स्मिथ ने लपका। इस पारी के दौरान विराट ने लगाए 7 चौके। दोनों पारियों को मिलाकर विराट के बल्ले से निकले 63 रन। WTC फाइनल में विराट कोहली ने फिर किया बल्ले से निराश। विराट के अलावा रविंद्र जडेजा भी अपना खाता नहीं खोल पाए। जडेजा दूसरी पारी में बोलेंड की गेंद पर 0 पर पवेलियन लौट गए। पहली पारी में जडेजा ने खेली थी 51 गेंद पर 48 रन की पारी। जडेजा ने गेंदबाजी में हासिल किए 4 विकेट्स। विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के बीच कुछ कहा सुनी हुई। विराट कोहली जब बल्लेबाजी कर रहे थे उस दौरान डेविड वार्नर के साथ कहा सुनी हुई। मामले को बढ़ता देख एम्पायर बीच में आए। विराट कोहली ने अपने क्रिकेट जर्नी पर दिया बयान। विराट के मुताबिक, फिलहाल मैं अपने क्रिकेट का लुत्फ उठा रहा हूं। विराट ने ICC से बात करते हुए बताया कि मैंने धोनी की कप्तानी, अपनी और रोहित की कप्तानी के दौरान क्रिकेट को काफी एंजॉय किया है। मुझे अपने आप पर गर्व है। विराट ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट पर भी जवाब दिया। कोहली ने कहा, मैं खेल के सभी फॉर्मेट में फिर से अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेल रहा हूं। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने बनाया फ्यूचर प्लान। लंका प्रीमियर लीग के अगले ऑक्शन में आ सकते हैं नजर। सुरेश रैना IPL में चेन्नई के लिए खेला करते थे। फिलहाल क्रिकेट से दूर, BCCI से बातचीत के बाद हो सकते हैं SPL में शामिल। 50 ओवरों के वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी खबर आई है। अहमदाबाद में हो सकता है भारत पाकिस्तान वनडे मैच। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई हो सकता है वेन्यू, तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा मुकाबला। 2023-25 WTC साइकिल में टीम इंडिया का नया शेड्यूल आया सामने। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में भारतीय टीम न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश से खेलेगी। घर के बाहर टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत। ICC के नए WTC साइकिल में 6 देशों के साथ भारत खेलेगा टेस्ट सीरीज। नए WTC साइकिल में भारतीय टीम 19 टेस्ट मैच खेलेगी, जिसमें वेस्टइंडीज, अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ 2-2 मैचों की टेस्ट सीरीज है। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने रोहित और पुजारा को आड़े हाथ लेते हुए उनकी जमकर आलोचना की है। शास्त्री ने दोनों खिलाड़ियों के शॉट सिलेक्शन पर सवाल उठाए। शास्त्री के मुताबिक, पिच का बिहेवियर जिस तरह का रहा है उससे मुझे काफी हैरानी हुई है। रोहित पुजारा अपने आप से काफी नाराज होंगे कि उन्होंने इस तरह का शॉट खेला। चोट के कारण पावो नुर्मी गेम्स एथलेटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे नीरज चोपड़ा। नीरज ने इससे पहले मांसपेशियों के खिंचाव के कारण FBK गेम्स से भी अपना नाम वापस ले लिया था। फ्रेंच ओपन के वुमेन सिंगल फाइनल में पोलैंड की इगा स्वेतेक ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता। चेक खिलाड़ी कैरोलिना मुचोवा को फाइनल में किया चित।